आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ स्पंज केक की रेसिपी, चॉकलेट स्पंज केक। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ नज़रअंदाज कर दिएगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ बेकिंग का। आते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मिलकर सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक और रेसिपी लेके। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेकिंग और केक की रेसिपी लाई हूँ। स्पंज केक बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हाँ, आपको जो मैं रेसिपी बताऊंगी तो ये मेरे पास कोई मैजिक कप नहीं है, मैं घर अपने ही घर के चीज़ों से ही करती हूँ, क्योंकि मैं कोई बेकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो लेकिन कभी मूड बन जाता है केक बनाने का तो मैं घर की चीज़ों से ही बना लेती हूँ। तो घर चाय का जो कप होता है ना, मैंने उसको भर के ले लिया मैदा, सही है, और उसे छान भी लिया आते आते मैंने। 4-1 कप मैंने ले लिया है कोको पाउडर, इसे भी छान के मैंने रखा हुआ, इसलिए आपको ज़्यादा फैलावा लग रहा है। और साथ में इसमें जाएगा जितने कप हमने मैदा लिया है उतने ही कप हमें लेनी चीनी। तो ये मैंने चीनी ले लिया, उसे पीस लिया, देखिए आइसिंग शुगर बन गई है। और साथ ही में इसमें जाएंगे 4 अंडे ले लिए मैंने, जिसकी सफ़ेदी अलग कर दी और जर्दी ये भी अलग पड़ी है मेरे पास। और इसमें जाएगा 1/2 कप तेल, कुकिंग ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हो आप। और 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर, और 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी नमक है। वनीला एसेंस से हम 1 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ये है हमारी स्पंज केक की रेसिपी। अगर मुझे बीटर बनाते हुए अगर थोड़ा थिक लगेगा तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी ये दूध। तो ये सब नॉर्मल टेम्परेचर के। आते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये मैदा सब चीज़ जो जो एक साथ मिक्स करने की उसे मिक्स करने के लिए एक बॉल में निकाल लेंगे। तो मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक जो है एक चुटकी है, और सब मिक्स कर लेंगे सही से। देखिए सब हमने सही से मिक्स कर लिया है कि हर एक चीज़ मिक्स हो जाए एक दूसरे के अंदर। और दूसरे स्टेप ये करें, आपने एक पैन जो भी आप जिसमें बना रहे हो, चाहे सिल्वर का बर्तन है, चाहे स्टील का या नॉन स्टिक आपके पास है, कुछ भी केक पैन वगैरह कुछ भी है, उसे ग्रेस करके उसमें आप बटर पेपर लगा लें या कोई अखबार बिछा लें या कोई कागज़ भी ग्रेस करके इसे 2 स्टेप तकरीबन हो सके हो गए हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अब मेरे पास ब्लेंडर नहीं है तो मैं जूसर में रेडी करूँगी जो हम इसका बीटर रेडी करते हैं। तो ये वाइट जो हमारे पास सफ़ेदी होती है ये ऐड कर दूँगी मैं, और इसको मैं अच्छी तरह से ग्लेंड कर लूँगी कि इसके जो पफी सा जो बनता है वो बन जाए, क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ जाए। ये देखिए तकरीबन बन चुका है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करेंगे हम इसे में, तो 3-4 स्टेप में ऐड करेंगे हम इसे। पहले थोड़ी डालेंगे फिर करूँगी, ऐसे 3-4 स्टेप कर लूँगी मैं इसके। थोड़े थोड़े चीनी डाल के आधी शुगर ऐड करके, देखें इसमें हमने चीनी भी थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दाल एक एक जर्दी डालते जाएंगे इसमें, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो ये एक गई, देखें कर लिया मिक्स कर लिया। अब दूसरी डालेंगे हम, ये दूसरी गई इसके अंदर, तीसरी भी ऐड कर ली थी, अभी चौथी ऐड कर रही हूँ मैं। साथ में इसमें अब ऐड कर दूंगी मैं ऑयल, तेल ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून में वनीला एसेंस भी ऐड कर दूंगी। देखिए ये भी ऐड कर दिया हमने वनीला एसेंस, देखिए अच्छा सा क्रीमी सा हमारा रेडी हो चुका है अंडे का बीटर। तो बगैर बीटर के हमने जूसर में रेडी करा है। ये देखिए आप अंडे के मिक्सर को के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा मैदे का जो मिक्सर बनाया था हमने, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर वगैरह डाल के ये ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इसे, और मिक्स करते हुए सिर्फ आपको एक ही हाथ चलाना है। इस तरीके से आराम आराम से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए तकरीबन हो गए, दूसरा स्टेप भी, दूसरा तीसरा स्टेप भी मेरा, ये भी डाल दूँगी थोड़ा सा
मैं थोड़ा और बरकत बचा है इसको भी मिक्स करने के बाद फिर से मिक्स करूँगी मैं। देखिए इसे सही से हमने मिक्स कर लिया, इसकी थिकनेस देखें, ये थोड़ा थिक लग रहा है तो इसलिए मैं इसमें क्या ऐड कर दूँगी, एक कप दूध ऐड कर दूँगी मैं इसके साथ। फिर से मिक्स करेंगे वापस। देखिए इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, अब इसे इसमें निकाल लूँगी मैं जिसमें हमने आयल लगा के ग्रीस करा था, और कागज़ पेपर कुछ भी चीज़ देखिए से हमने अंदर डाल दिया है पैन, केक पैन में। अब इसे हम क्या करेंगे थोड़े थोड़े से ही उसकी बबल्स निकाल लेंगे। ये देखिए बड़ा पतीला ले लिया, इसमें अंदर स्टैंड रख दिया मैंने, और ऐसा पतीला लेना आपको जिसको पूरा कवर हो जाए। अब इसमें मैंने 5 मिनट पहले गरम प्री हीट करने रख दिया था, अब ये गरम हो रहा है। अब इसे ये देखिए पैन हमने अंदर रख दिया है केक पैन, और ये देखें पूरा इसको कवर कर दूंगी मैं। तो ये पूरा कवर है साइड से, आप देख सकते हैं, और इसे हम 50 से 55 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर। चेक भी करेंगे इसे बीच में, लेकिन इसे हल्की आंच पर रख दूंगी मैं लो फ्लेम पे कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके बाद देखें 30 मिनट हो गए, मैं इसे चेक कर रही हूँ तो इसमें अभी भी कसर बाकी है, तो मज़ीद ही और पकेगा। ये देखें 55 मिनट हो चुके हैं, 55 मिनट। अब इसे चेक करेंगे हम, और ये हमारी स्टीम बिल्कुल सही निकल आई है, 2-3 जगह उसे चेक कर लें आप। तो ये तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है, अब इसे मैं सिर्फ 5 सेकेंड डाल लेंगे। 5 सेकेंड हो चुके हैं, अब इसे बस निकाल लूँ मैं, निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है, इसे थोड़ी देर ठंडा करूँगी और फिर निकाल लूँगी। देख इतना अच्छा सॉफ्ट सा हमारा स्पंज केक रेडी हो गया है। ये देखें अब मैं क्या करूँगी, इसको डेकोरेट करूँगी। तो क्योंकि मैंने ये सिर्फ शेप में बड़ा बनाया था, है ये थोड़ा पतला ही, तो मैं तो इसके लिए रेडी करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी डेकोरेट करने के लिए, इधर मैंने जग में क्रीम ले ली है, इसे ठंडा करने रख दिया था। इससे हम लोग आइसिंग शुगर ऐड करके अच्छी तरीके से व्हिप कर लेंगे। देखिए इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ मैं, आइसिंग शुगर ऐड कर, इसके साथ ही मेरे पास मौजूद है पाइन एप्पल मौजूद है, इधर मेरे पास चॉकलेट क्रश मौजूद है, इसे मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। ये डार्क चॉकलेट थी, और ना ये मेरे पास वेफर पड़े हुए डेकोरेट के लिए, चॉकलेट सीरप है साथ में, इधर मैंने डार्क चॉकलेट मेल्ट करने के लिए भी रखी हुई है। ये स्वीट वाइट डार्क चॉकलेट थी जिसे मैंने धो दिए, और 100 ग्राम मैंने मेल्ट करने के लिए रख दिए। देखिए इसके अंदर मैं मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर दूंगी। देखिए अच्छी खासी हमारी थिक हो गई चॉकलेट और क्रीम डाल के। अब हम क्या करें थोड़ा सा इसे मॉइस्चराइज कर देंगे, तो इसमें मेरे पास ये पाइनएप्पल सिरप पड़ा हुआ है थोड़ा सा इसमें, तो ये ऐड कर दूँगी इसमें। इस तरीके से सब में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। देखिए हमने वेप क्रीम और चॉकलेट प्यारे में निकाल लिया, इसको सुपर हम लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने चॉकलेट और क्रीम जो हमने वेप बनाई थी वो ऐड कर दिया, अब इसमें हम ये क्रश वाली चॉकलेट ऐड कर देंगे। ये देखिए ऊपर हमने चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया है, अब इसमें पाइनएप्पल रख दूंगी सेंटर में। तो ये रिंग है, 2 रिंग रख देंगे हम, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, और थोड़े से क्रश और डाल देंगे चॉकलेट क्रश। बहुत ही मज़े का चॉकलेट केक बनता है ये, और मैंने आपको स्पंज केक बनाना सिखाया था, सिखा रही हूँ। और ये 2 वेफर थे, इसको ऐड रख देंगे इस तरीके से। लीजिए रेडी है मेरे स्टाइल से चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, मेरा केक भी बहुत मज़े का पसंद आएगा आपको।
और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, कैसे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अब मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखें।